गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू जय हिंद वेलकम टू दिस अभीपीडिया पी प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस और आज जो है हम लोग बात करेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में बेसिकली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर हमारी मेजरली पांच फोर्सेस आती है दैट इज सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी एफ एंड एसएसबी तो उन्हीं पांच फोर्सेस में आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ के बारे में और ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इंफॉर्मेशनल लेक्चर है फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपियर फॉर दी देयर इंटरव्यूज़ फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एंड ऑल्सो फॉर दोज जो आगे एस्पायरिंग है फॉर एग्जाम्पल मतलब जो नेक्स्ट ईयर अपना डाफ भरने वाले हैं जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनको बेसिकली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जैक्टली exactly मतलब नहीं पता है और uh, uh, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं विद द आर्म फोर्सेस एंड सीएपीएफ ए पी एफ एंड पैरामिलिट्री तो लेट्स टॉक अबाउट दिस लेक्चर सबसे पहली बात तो हम लोग बात करते हैं कि uh, इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या है सी आर पी के बारे में सो so, सबसे पहले एक्चुअली में क्या था कि इन नाइनटीन थर्टी इसका एग्जिस्टेंस आया सामने इन 1939 ये फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आई ट्वेंटी जुलाई और इस फोर्स uh, को बोला गया क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स बिकॉज हुआ क्या कि बेसिकली इस टाइम पे आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर का टाइम था ब्रिटिश आर्मी को हम लोग इंडिया में नहीं लगा सकते थे मतलब uh, जो गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडियन uh, जो ब्रिटिश आर्मी है उसको तो बाहर हमारी ज़रूरत है तो दैट इज़ द रीज़न उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहे हैं इंडिया के अंदर एजुटेशन्स हो रही हैं तो लेट्स मेक अनदर फोर्स जो हमारे नेटिव्स को बचाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी पीस वगैरह जो भी है वो लेकर आएगी तो इसको बेसिकली फॉर्म किया गया एंड देन एक सीआरपीएफ एक्ट आया 1949 के टाइम पे इट इज़ एग्जैक्टली द 28 दिसंबर 1949 जब सीआरपीएफ एक्ट के द्वारा बेसिकली uh, इस क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स को बोला गया सेंट्रल आर्म पुलिस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स राइट तो अभी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितनी इस फोर्स के पास कैपेसिटी है कितना मैन पावर इस फोर्स के पास है दैट इज़ 246 फोर्टी सिक्स बटालियन राइट टू फोर्टी बटालियन है आगे हम लोग बात करेंगे कि बटालियन का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ थोड़ा सा से इसको सेग्रीगेट कर देते हैं तो 208 तो एग्जीक्यूटिव बटालियंस है महिला बटालियंस है हमारे पास छः एंड रैपिड एक्शन बटालियंस है पंद्रह कोबराज जो हैं बहुत लोगों की फेवरेट होती है तो ये टेन हमारे पास बटालियन से इसके अलावा पांच सिग्नल बटालियन है वन एस है और वन पी है अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सी आर पी एफ ओके नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बटालियन का मतलब क्या होता है सी बटालियन बेसिकली हम लोग रेजिमेंट भी कहते हैं आर्मी में ज़्यादातर रेजिमेंट ही बोला जाता है सो so, बेसिकली क्या रहता है कि बटालियन के अंदर एक बटालियन के अंदर लगभग एक हज़ार से बारह सौ सोल्जर्स होते हैं राइट एक हज़ार से बारह सो सोल्जर्स होते हैं इसमें अपने पास फॉर uh, एग्जाम्पल uh, कुछ ऑफिसर्स होते हैं जैसे चार से पांच असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं दो से तीन डिप्टी कमांडेंट होते हैं और ये जो बटालियन या रेजिमेंट जिसको कहते हैं हम लोग इट इज हेडेड बाय कमांडेंट इन दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ओके बट आर्मी के अंदर ऐसा नहीं होता आर्मी के अंदर इन बटालियन या रेजिमेंट को हेड करता है सीओ साहब मतलब कर्नल जो होते हैं कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो बटालियन को हेड करते हैं ओके okay? और सो uh, so ये पूरा का पूरा सेग्रीगेशन है अबाउट दी सी के बारे में एंड इट इज़ ऑब्वियसली द लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तो इतनी सारी बटालियंस है मेरे को व्हेन आई वाज़ फेसिंग एन इंटरव्यू तो मुझे किस तरीके से सवाल पूछा था कि एज़ माय प्रेफरेंस वाज आल्सो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स तो ही आज मी जो एक आर्मी बैकग्राउंड से मुझे लग रहे थे जो एस थे तो ही नाउ टेल मी द एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं तो अप्रोक्सीमेट फिगर ऑफ द मैन पावर विच इज देयर इन देंट्रल सी आर पी एफ सो मुझे ये पता था कि यार ये टू फोर्टी सिक्स के अराउंड जो बटालियंस है तो मैंने इसी हिसाब से एक अप्रोक्सीमेट uh, फिगर दे दिया कि इट इज लाइक टू लैक फिफ्टी थाउजेंड सोल्जर्स आर देयर इन दी आर पी एफ तो एक तरीके से आपको इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि, कि कितने सोल्जर्स होते हैं कितने मैन पावर है कितनी बटालियंस है और अगर आप ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो कि मेरे को कोबरा में जाना है तो यू नीड टू हैव क्लियर आइडिया कि कोबरा के बटालियंस कितनी है या फिर पूरी की पूरी सीआरपीएफ में कितनी बटालियंस है और कैसे कैसे इसका सेग्रीगेशन है राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से देखिए सी एक ऐसी फोर्स है जिसको बोला भी जाता है कई बार मतलब मजे में भी बोला जाता है कि चलते रहो प्यारे पहरेदारों चलते रहो प्यारे पहरेदारों सो so, इनकी बहुत ही ज़्यादा मोबिलिटी होती है दीज आर द ओमनी पोर्टेंट फोर्स राइट ओमनी इंपोर्टेंट फोर्स जो कि हर जगह हर जगह आपको मिल जाएगी और इनके पास अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है दे आर लाइक कैपेबल इन एवरी एस्पेक्ट ओके तो सबसे पहली बात तो है क्राउड कंट्रोल एंड राइट कंट्रोल क्राउड कंट्रोल राइट कंट्रोल में भी इनका यूसेज किया जाता है थ्रू रैपिड एक्शन फोर्स आर के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है जब भी कुछ ऐसे क्राइसिस हो जाते हैं देन ऑब्वियसली मिलिटेंसी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए सीआरपीएफ का यूज़ किया जाता है फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ आर इज़ वर्किंग वेरी एफिशिएंटली विद दी इंडियन आर्म फोर्सेज इंडियन आर्मी के साथ काम कर रही है और जे के साथ काम कर रही है इन दी जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर एंड इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे हीरोस हैं जिन्होंने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा uh, इस सीआरपीएफ uh, को प्राउड फील कराया स्पेशल फोर्स दैट इज कोबरा क्लियर सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए so कोबरा एक फोर्स है जिसने बहुत एफिशिएंटली काम किया है 2009 से लेके अभी तक Uh, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं साथ ही साथ वॉर के टाइम पे भी दे कैन बी यूज और दे बिकॉज दे आर लाइक सेल्फ सफिशिएंट फुली प्रिपेयर्ड राइट उसके बाद यू एन पीस कीपिंग मिशन के अंदर ये बहुत ही एफिशेंटली पार्टिसिपेट करती है uh, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि महिला बटालियंस जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन श्रीलंकन पीस कीपिंग मिशन के अंदर तो ये आगे हम लोग बात करेंगे उसके बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के अंदर कैलोमिटीज़ के अंदर दे ऑल टाइम रेडी टू हेल्प द पीपल हेल्प द सोसाइटी ओके तो एक बहुत ही वाइडर होराइजन है इनके वर्क प्रोफाइल का और दे दे आर लाइक ऑल टाइम रेडी फॉर देयर वर्क ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सीआरपीएफ जो पहले भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ ली है वी नो दैट इट इज़ द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरा वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रीजन बींग आसाम राइफल यू चेक एड असाम आसाम राइफल इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड राइट और ये जो है ये भी इसका भी जितनी भी हमारी सी ए पी एफ के अंदर इट इज़ द ओलस्ट वन तो जितनी भी सी ए पी एफ के अंदर है वो सी आर पी एफ इज द ओल्डेस्ट वन करेक्ट उसके बाद इसको बेसिकली रेस किया था पॉलिटिकल अनरेस्ट और एजिटेशन जो भी हो गया था उस टाइम पे किस टाइम पे 1939 का टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे देन ये डिसाइड किया गया लेट्स मेक अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स ताकि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए ओके okay? तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में कि हु वॉज द फर्स्ट डी ऑफ सी तो जैसे मुझसे पूछ लिया गया था कि आ, अभी बता दो कि हु इज़ राइट नाउ द डी ऑफ सी आर राइट उस टाइम पे 2018 का इंटरव्यू था तो दे कैन आस्क यू कि कौन फर्स्ट डीजी था सीआरपीएफ का तो इट इज़ वीजी जी ये फर्स्ट uh, डीजी थे सीआरपीएफ के ओके okay? एंड ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जनरली इंटरव्यूज़ के टाइम पे वो इसीलिए पूछते हैं ताकि वो चेक करते हैं कि इस बच्चे का अगर क्यूरोसिटी इतना ज़्यादा है कि इसने जाना ही जाना है सी में या किसी भी फोर्स में चाहे वो सी है बी है तो वो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा कि यार लेट्स टॉ रीड दिस ऑल्सो लेट्स रीड दिस ऑल्सो वो चेक करते हैं इस पैटर्न uh, uh, को भी स्टूडेंट के और uh, अगर आपने वो आंसर दे दिया दैट मीन्स कि Uh, कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ कर लेगा कि ही हैज़ द पोटेंशियल बिकॉज वो पढ़ के भी आया है और उसको इम्प्लीमेंट uh, भी कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं पढ़ता उस चीज़ के बारे में क्यूरियस भी है और उसको आगे जानने की इच्छा और करता है ठीक है तो कहीं ना कहीं ये फेक नहीं कर रहा है ही इज़ नॉट प्रिटेंडिंग ही इज़ हीज़ एब्सोल्युटली वांट टू गो टू दैट पर्टिकुलर फोर्स ओके एंड रिसेंटली कुलदीप सिंह जो है वो अपॉइंट हुए हैं डी जी सी आर पी एफ के कुलदीप सिंह आई पी एस हैं और इनको अपॉइंट किया गया है डी जी सी आर पी एफ ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट एज दैट देखिए जब सी आर पी एफ को बना दिया गया एक्ट के थ्रू ओके okay, तो उस टाइम पे 1949 के बाद कौन कौन से इम्पोर्टेंट इनके काम रहे वो बात कर लेते हैं तो पहले ही इनको क्या कर दिया गया भेज दिया गया इन दी वेस्टर्न फ्रंटियर्स में वेस्टर्न फ्रंटियर्स में भेज दिया गया जैसे कि कच्छ राइट राजस्थान में भेज दिया गया एंड सिंध बॉर्डर्स में भेज दिया गया ताकि वहाँ पे ये लोग कंट्रोल कर पाएँ वॉट एवर द ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स आर गोइंग ऑन ठीक है इनफिल्ट्रेसन को कम कर पाएँ तो दे आर एक्चुअली द फोर्स जिसने पहले यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू किया था यहाँ पर uh, एक एलिमिनेट करना शुरू किया था जो भी इन्फिल्ट्रेशन और ट्रांसपोर्डर क्राइम्स हो रहे थे ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले आ, वो चीज़ आगे भी हम लोग बात में पढ़ेंगे कि हॉट स्प्रिंग जो है लद्दाख में तो यहाँ पे क्या हुआ था कि चाइनीज सोल्जर्स ने क्या किया एम्बोश कर दिया एकदम से सडन अटैक कर दिया सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर और कैसे ना कैसे करके इन जवानों ने ये जितने भी पेट्रोलिंग पार्टी के दस बारह पंद्रह जवान थे उन्होंने बहुत ही ब्रेव तरीके से इस अटैक का सामना किया और आगे शहादत हो गई उनकी बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको फेस किया तो ये जो हॉट स्प्रिंग का ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ कि चाइनीज़ ने अटैक किया ऑन 21 अक्टूबर 1959, तो इस टाइम पे सीआरपीएफ ने अच्छा खासा जवाब दिया था लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने जो मैन पावर था हमारे जो सोल्जर्स थे वो उन, उन उनकी शहीद वो शहादत में चले गए लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा हमने अटैक किया था चाइनीज के ऊपर ठीक है इन रिटेलिएशन रिटेलिएट किया हमने एक्ट नहीं किया पहले रिएक्ट था दैट वाज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ बाय द सीआरपीएफ एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आज उस दिन से हम लोग सेलिब्रेट uh, करते हैं दिस अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी फर्स्ट इज़ द डे जब वो मार्टियर हो गए थे तो अक्टूबर फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट को हम लोग एज अ पुलिस कम्युनिशन डे हर साल मनाया जाता है थ्रू आउट द ईयर सो ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको भी याद रखना चाहिए बिकॉज सी आर पी एफ सोल्जर्स ने अपनी uh, जान की बाजी लगाई थी ताकि वो चाइनीज को अच्छे खासा रिटालिएट कर पाएँ ओके नाओ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द सी आर पी एफ इज देखिए 62 में सी ने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया विद फुल ऑफ देयर हार्ट एंड सोल एंड ऑल्सो 71 में 65 में दे पार्टिसिपेटेड ओके okay? तो जब चाइनीज uh, एग्रेशन हुआ 1962 के टाइम पे तो इंडियन आर्मी को सी uh, ने सपोर्ट किया इन दी अरुणाचल प्रदेश में ओके एंड इन 65 71 में भी इंडो पाक जो वॉर हुई थी उसमें भी शोल्डर टू शोल्डर

स्टार्टिंग uh, से ही सपोर्ट किया था तो so, यूएस के पै uh, यूएस ने अपने पैटर्न टैंक जो है जिसको कोई नहीं जीत सकता है वो सप्लाई किए हुए थे पाकिस्तान को उस टाइम पे तो पाकिस्तान ने क्या किया अपनी uh, जो 65 की वॉर थी उसमें पैटर्न टैंक जो है वेस्टर्न बॉर्डर्स जो थे वहां पे उतार दिए अगेंस्ट इंडिया तो ये पैटर्न टैंक का बहुत ही बट uh, कहीं ना कहीं हमारे जो सोल्जर्स थे इंडियन आर्मी के और सी के विद द कोऑर्डिनेशन उन्होंने इस बड़े बड़े पैटर्न टैंक को भी डिफीट uh, किया और 65 की वॉर को भी जीता एक uh, uh, वैसे तो uh, पाकिस्तान का कुछ अलग साइड रहता है बट दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी कि 65 की वॉर में जो पैटर्न टैंक यूएस ने उतारे थे सॉरी uh, यूएस के पैटर्न टैंक जो थे पाकिस्तान ने उतारे थे उनको एक के बाद एक के बाद डिफीट करते गए एलिमिनेट करते गए ओके एंड 71 की जो वॉर थी उसमें आपको पता ही है कि सी uh, एक क्वेश्चन uh, आ गया था इंटरव्यू के टाइम पे ही कि आपने ये देखा होगा ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस है ओके सो दिस इज़ द टाइम जब एक एग्रीमेंट uh, साइन किया जा रहा था सरेंडर का बाय द पाकिस्तान जनरल जो जनरल uh, थे पाकिस्तान के इनका नाम क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊँगा आफ्टर दिस लेक्चर तो इनका नाम पूछा गया था क्योंकि ये फोटो जो है बड़ी फेमस है तो जितने भी डिफेंस लवर हैं उनको ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम क्या था ओके okay? जो सरेंडर वाला जो एग्रीमेंट है वो साइन कर रहे थे क्लियर हो गया सो आई टेल यू जस्ट एट द होल क्लास ओके नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज I एज आई जस्ट कि हमारी जो महिला बटालियंस थी दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज ठीक है सो so, हमारी यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज जो है आ, उसमें इंडियन का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक बहुत ही मेजर रहा है और जैसे आप देख सकते हो कि हमारे जो वुमेन कंटीजेंट था सी आर पी एफ का वो उसने पार्टिसिपेट किया था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका टू फाइट द मिलिटेंट कार्डर्स ओवर देयर ओके एंड इसके अलावा हमारी यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज का ऑपरेशन चलते आ रहे हैं हेथी नामिबिया सोमालिया मालदीव कोसोबो लाइबेरिया सूडान साउथ सूडान है ना सो so, ये काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंडियन पीस कीपिंग कर रही हैं ओके okay? और एक चीज़ आपने जो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि वाई इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट सो मच विद यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज इसके क्या क्या रीजनस हो सकते हैं और uh, सबसे ज़्यादा यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज में कौन पार्टिसिपेट करता है कौन अपनी मैन पावर ज़्यादा देता है ये आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा इसका पहला रीज़न तो यही है ऑब्वियसली कि मैन पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा है है ना दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकता है तो यू कैन लिटल बिट एलेबोरेट ऑन दी कॉमेंट सेक्शन ओके ना नेक्स्ट पॉइंट है सी आर पी एफ के हीरोज ये बहुत सारे हीरोज़ हैं मतलब हीरोज़ uh, uh, वो नहीं होते हैं ओनली दो दोज आर नॉट द हीरोज़ जो एक्चुअली ऑप्स में पार्टिसिपेट करते हैं ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं बट उनके पीछे जो सप्लाई कर रहे हैं लॉजिस्टिक का दे आर ऑल्सो हीरोज़ बहुत सारे हीरोज़ है हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं एंड इट इज़ ऑल अबाउट पलटन की इज़्ज़त का सवाल है ना तो जो पल्टन होती है उसकी इज़्ज़त जो होती है उसका सवाल होता है तभी आगे जाके कोई भी अपना एफर्ट पूरा लगाता है तो पलटन में जितने भी लोग होते हैं दे ऑल आर हीरोज ओके बट फिर भी हम लोग कुछ लोगों की बात करेंगे कुछ हमारे आ, ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती है ठीक है सो सबसे पहले जो है वो है अपने चेतन चीता सर ही इज कमांडेंट एंड ये आ, इनके साथ में इन्होंने मतलब इनके इनका एक ऑपरेशन हुआ था बंदीपुर एनकाउंटर में इन्होंने नौ बुलेट्स जस्ट फॉर अ सेक कि किसी और जवान को बचाना है नौ बुलेट्स अपने बॉडी में इनको लगी थी एंड देन ऑल्सो ही सर्वाइव सम हाउ एंड सी मैंने ये तीन फोटोज़ आपके सामने लगाई हैं देखिए ही इज राइट नाउ ओके ऑल सेट अभी देखिए नौ बुलेट्स खा के ये बैठे हुए हैं और आफ्टर फ्यू मंथ्स ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया

मेंटल uh, कैपेसिटी अगर किसी की देखनी है या किसी को ये बारे में एग्जाम्पल सेट करना है दैट इज़ हमारे जो पैरा ट्रूपर्स स्पेशल फोर्सेस वाले होते हैं जैसे कि और सीआरपीएफ के अंदर हमारे चेतन चीता सर हैं सो so, इनका ये बंदीपुर एनकाउंटर हुआ एनकाउंटर के ऑप्स के अंदर इनको नौ गोलियां लगी थी दो महीने तक ये आ, एक तरीके से कोमा में रहे थे एंड देन ऑल्सो ही केम बैक एंड रिसीव द ऑन एज़ लाइक एकदम ये शो करके दैट आई एम मच मोर केपेबल इन दिस ओके एंड अभी तक बहुत कुछ बचा है राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट जो हमारे हीरो हैं दैट इज़ हम जो हरियाणा के जो हीरो मतलब हरियाणा से आते हैं ये विकास जाकर सर तो बेसिकली ही इज आल्सो असिस्टेंट कमांडेंट इनको भी थर्ड हाईएस्ट पीस कीपिंग पीस गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था शौर्य चक्र ओके एंड बेसिकली इनका जो ऑपरेशन था एज़ हीज़ सी आर पी एफ कोबरा कमांडो सो इन्होंने लातेहार डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का वहाँ पे इनकी जो बटालियन थी 209 सौ नौ बटालियन काफ़ी फेमस बटालियन है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कौन कौन से बटालियन है कोबरा कमांडोज़ की सो so, 209 सौ uh, नौ बटालियन का एक ऑप चल रहा था जिसमें ही वॉज लीडिंग द होल दैट पार्टी एंड उस टाइम पे क्या हुआ इन्होंने बेसिकली ऑपरेशन uh, को सक्सेसफुली कैरड आउट किया अपने जवानों के साथ अपने बंदों के साथ और फाइनली ही गॉट द थर्ड हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो पीस टाइम पे दिया जाता है देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको हेल्प करेगी कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कौन सा होता है सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है जब आप बेसिकली uh, uh, जब आप जा रहे हैं किसी ऑप्स के लिए किसी ऑपरेशन के लिए आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट शुड बी कि आपकी जो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं मैन पावर है, है जहाँ के लोग हैं कोलेट्रल डैमेज ना हो लोगों को लोगों की जान ना जाए तो पहला तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल ऑपरेशन का ये होता है कि आपका जो आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पे किसी को कोलेटरल डैमेज ना हो किसी को जान से मतलब जान ना जाए किसी की सोसाइटी के अंदर नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप जिस भी इंसान को लेकर जा रहे हैं अपने पार्टी के अंदर जिस भी जवान को लेकर जा रहे हैं आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जवान जो है आपके साथ जैसे गया था वैसे ही वापस आए सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसमें से एक जवान भी कुछ यू you नो know, शहीद हो गया या वापस नहीं लौट पाया तो वो सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं होगा चाहे वो आप चाहे वो बीस टेररिस्ट को मार दिया हो या वॉट इट इज़ बिकॉज जवान की सेफ्टी भी एक ऑफिसर के ऊपर होती है क्लियर तो आप वापस जो है उस सेम जवान को नंबर्स uh, को लेकर आ रहे सेम बॉयज को लेकर आ रहे हैं अपनी कमांड के अंदर ओके एंड द थर्ड इज ऑब्वियसली आप अपना पूरा टारगेट फिनिश कर रहे हैं तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप फिनिश कर रहे हैं आप एलिमिनेट कर रहे हैं जो भी आप मिलिटेंसी को या जो भी आपका टारगेट है ओके सो दिस इज सक्सेसफुल ऑपरेशन ये सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है एंड द सेम थिंग विद द सर uh, दैट uh, इन्होंने लेट किया वो ऑपरेशन जितने भी जवान थे जो लेकर गए थे अपनी पार्टी के अंदर वो वापस लेकर आए टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज भी किया और साथ ही साथ बहुत सारा uh, जैसे कि एम्यूनेशन एंड एम्यूनेशन को रिकवर किया जो भी वहाँ पे असला बारूद जो नैक्सल्स ने छुपा के रखा था उसको भी रिकवर किया एंड दैट्स वाई ही गॉट अवार्ड ओके नाउ द नेक्स्ट एज जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, बिकॉज इन्होंने ऐसा कुछ किया है जो बहुत कम लोग करते हैं शायद सी ने कभी मैं किसी ऑफिसर ने नहीं किया होगा तो लेट्स टॉक अबाउट सर नरेश कुमार असिस्टेंट कमांडेंट एंड इनके बारे में ये है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रिलेटेड टू हिज बैकग्राउंड स्टोरी फॉर एग्जांपल ये जलंधर से आते हैं तो इन्होंने uh, बड़ी मतलब ही कम्स फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड तो ही ट्राइड अलॉट इन द एस एस बीज एस एस बी इंटरव्यूज़ भी दिए इन्होंने एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप अगर लगे रहते हो तो डजेंट मैटर यू हैव टू फॉल फॉरवर्ड तो इन्होंने अल्टीमेटली सी आर पी एफ इनको मिल गया ठीक है ही क्लियर हिज एग्जाम सी ए पी एफ असटेंट कमांडेंट एग्जाम टू थाउजेंड थर्टीन एंड दो हज़ार तेरह में इनको सिलेक्शन जब हो गया और फिर 2015 में इनको जब पोस्टिंग मिली तो ही सेड कि सर मैं जाऊंगा जम्मू कश्मीर ठीक है और वो 2015 से जम्मू कश्मीर में चले गए और उसके बाद से ही स्टार्टेड हैज लाइक जो भी इन्होंने एडवेंचर करना था देश के लिए करना था जो भी इनके अंदर पेट्रियाटिज़म है जो ये रोल मॉडल दिखाना मतलब बनना है मतलब कि वो कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो सारी इन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने ऑप्स कर 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 के कर, कर, एंड कर करके वो सब प्रूफ किया एंड एट द एंड ऑफ द डे ही रिसीव्ड हिज मोस्ट एवर रिसीव्ड बाय द सिंगल ऑफिसर इन द फोर्स हिस्ट्री मतलब ही रिसिव द सेवेंथ पुलिस मेडल सेवेंथ पुलिस मेडल इन्होंने रिसीव किया विद इन फाइव ईयर्स ऑफ सर्विस सेवेंथ पुलिस मेडल पाँच साल की सर्विस में बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये इन्होंने अपनी सी की हिस्ट्री में देखा जाए तो ही इज़ द ओनली ऑफिसर सो फार ओके okay? तो ये ये शो करता है कि आपको अगर एक चांस मिल गया तो आप फिर यू uh, नो you know, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना एफ़र्ट लगाने वाले हैं अगर आपका जो हसल है वो एकदम ट्रू टू योर सेल्फ है आपने मेहनत की है अगर आपको 26 साल 27 साल 25 साल में असिस्टेंट uh, कमांडेंट बनने का मौका मिलता है डोंट वरी अबाउट एक बार आपको मौका मिल गया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूफ करेंगे आपका मेटल ठीक है तो जैसे नरेश सर ने किया अपने आप को प्रूफ कि एट द एज ऑफ 28 एट ही गॉट सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट 30 साल की उम्र में वो चले गए जम्मू कश्मीर में मतलब मैं आपको एक्जैक्ट uh, फिगर्स नहीं बता रहा हूँ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरीके से उन्होंने uh, आखिर तक ट्राई करते रहे एंड ही गॉट सेलेक्टेड इन द सी आर पी एफ एंड फाइनली ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर इन द सी आर पी एफ ओके एंड uh, इनका जो ऑपरेशन था वो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में था छतरबल एरिया है जहाँ पे इनके टीम मेंबर्स ने और इन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया था लक्षर तेयबा के टॉप कमांडर्स जो थे उनको ओके okay? और इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे ऑप्स किए हुए थे क्लियर एंड नाउ द नेक्स्ट इज़ रैपिड एक्शन फोर्स तो हमने अभी बात कर ली कि कौन कौन से हमारे हीरोज़ हैं जहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है सी में ऐसे न्यूमरस हीरोज है बट हम लोग कुछ लोगों की बात कर सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं तो रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में इट इज़ अ जीरो रिस्पॉन्स जीरो रिस्पॉन्स मतलब मिनिमम टाइम के अंदर ये लोग उठ खड़े होंगे एंड दे विल रीच टू दैट एरिया एंड दे विल स्टार्ट देर ऑपरेशन ऑफ क्रिएटिंग या ब्रिंगिंग दैट पीस एंड ऑर्डर इन विद इन दैट सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी उस टाइम पे डरी होगी जब राइट्स हो रहे होंगे जब कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही होंगे सो so, उन लोगों के बीच के उन लोगों के अंदर एक एक कॉन्फिडेंस भरना ये सीआरपीएफ का सी रैपिड एक्शन फोर्स का काम है फॉर एग्जांपल ये बनाई गई थी अक्टूबर 1992 के अंदर अक्टूबर नाइनटीन के अंदर इट इज़ अ स्पेशलाइज फोर्स इट इज़ अ स्पेशलाइज फोर्स जिसको बेसिकली इनिशियली क्या किया गया था इनिशियली दस बटालियंस थी फिर बाद में इसको पांच और जोड़ दी गई बटालियंस को ओके okay? एंड आपको पता है जो अभी बताया कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस सोसाइटी के अंदर कॉन्फिडेंस भरना कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है जहाँ पे वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ठीक है इनस्टेबिलिटी हो गई है लॉ एंड ऑर्डर में तो इन दैट सिचुएशन लोगों के बीच में खुद वहाँ पे प्रेजेंट होना विद द जीरो रिस्पांस के साथ जीरो रिस्पॉन्स के साथ एंड देन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट लॉ एंड ऑर्डर ओके नाउ दिस फोर्स हैज़ द क्रेडिट ऑफ सेपरेट फ्लैग सिग्निफाइंग द पीस तो इनका सेपरेट फ्लैग है जो सिग्निफाई करता है पीस को नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे फेवरेट है फैसिनेट करती है दैट इज कोबरा कमांडोस इनके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं सो कोबरा कमांडोज के बारे में दैट इज़ कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन जैसे मैंने अपना सी आर uh, जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो उसमें मुझे बोला गया कि सी का फुल फॉर्म बता दो सॉरी uh, कोबराज का फुल फॉर्म बता दो तो so, मैंने कोबराज का फुल फॉर्म बता दिया ही आज मी मोर क्वेश्चन ऑन कोबरा बटालियन की कैसे क्या है कब इनका फॉर्मेशन हुआ तो कोबरा इज लाइक गोरीला वॉरफेयर जंगल वॉरफेयर दे आर द जंगल वॉरियर्स है ना जंगल्स में रहते हैं ये लोग और वहाँ पे दस दस दिन तक ऑपरेशंस करते हैं अलग अलग टेरेन होती है तो वो सारी चीज़ें ये सक्षम होते हैं उन चीज़ों के लिए ओके okay, इसकी जो है दस बटालियंस है ओके okay, एंड uh, इसमें आप देख सकते हैं कि दो बटालियंस जो है दो हज़ार के टाइम पे देन चार फिर चार और बटालियंस को रेज़ किया गया तो टोटली तो ये दस बटालियंस हैं और ये सारी जो uh, शुरुआत हुई स्टार्टेड द फंक्शनिंग तो यहाँ जो भी शुरुआत हुई वो अंडर द कमांड ऑफ दुर्गा प्रसाद आईपीएस आप दुर्गा प्रसाद सर आईपीएस के बारे में एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा दे आर लाइक बहुत ही इनकी करेजमेटिक पर्सनालिटी है बिकॉज ऑफ़ इनकी ही लीडरशिप के अंदर कोबराज का ये सारा कुछ सिस्टम शुरू हुआ था एंड uh, कोबराज में जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल होता है कि कौन कौन सी स्पेसिफिक जैसे हमने पढ़ा कि टू फोर्टी सिक्स बटालियंस है पूरी की पूरी सीआरपीएफ के अंदर सो उन सी के अंदर अगर 246 फोर्टी बटालियंस है तो उसमें कौन कौन सी कोबरा की बटालियंस है सो so, उसको हम लोग देख लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 201 कोबरा बटालियन 202, 203, 204, 205, सौ तीन सो ये सारी की सारी 10 कोबरा बटालियंस हैं सी के अंदर क्लियर जैसे कई बार जब कोई अपेयर कर रहा होता है एस के बारे में और ये बोलता है कि मुझे यार आ, आ, स्पेशल फोर्सेस में जाना है तो एस एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है कि कौन कौन सी हमारी पैरा एस एफ की बटालियंस है right? राइट तो जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट पैरा एस एफ राइट एंड नाइन्थ पैरा एस एफ नाइन्थ एसएफ इज ऑल्सो वेरी फेमस राइट तो uh, uh, ये थोड़ा सा एक नॉलेज होती है कि इसके बारे में जानना क्यूरोसिटी बढ़ जाती है इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन कोबराज ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जस्ट वेट या नाउ महिला बटालियंस तो महिला बटालियंस वी नो दैट देर आर सिक्स महिला बटालियंस एंड दे पार्टिसिपेटेड इनका जो ट्रेनिंग हुई वो 1987 के टाइम पे हुई थी आफ्टर दे ट्रेनिंग इन्होंने काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया जैसे मेरिट राइट्स हुए थे देन उसके बाद आई पी मींस इंडियन पीस कीपिंग जो कि की श्रीलंका में गई थी तो दे परफॉर्म वेरी वेल ओवर देयर एंड उसमें वन थर्टी फिफ्थ बटालियन ने पार्टिसिपेट किया था एंड बाकी भी और कई सारे इश्यूज होते रहते हैं पीस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए तो इन uh, सारे एरियाज में दे पार्टिसिपेटेड वेरी एफिशिएंटली क्लियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अल्टीमेट थिंग दैट इज़ सी आर पी एफ अकेडमी गुड़गांव में ये सी आर पी एफ अकेडमी है and uh, uh, this simply means that the cross swords in the insignia is the symbol of shakti as well as with the burning flame of light. to burning flame of light ka sign jo hai that is knowledge and wisdom. that is knowledge and wisdom. और इसका जो motto है that is always nation first. always nation first. nation first follow me. क्योंकि एक फौजी जो होता है उसको अपने लिए छुट्टी कभी नहीं मिलती. उसको अगर जाना है तो अपनी फैमिली का रीज़न बता सकता है वो कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई एम गोइंग फॉर अ लीव बट अपने लिए कभी नहीं छुट्टी मिलेगी तो उसका जो अपना फ़ायदा है अपना सेल्फ बेनिफिट है वो हमेशा लास्ट में आता है नेशन का प्राइड नेशन का इज्जत इज ऑलवेज ऑन द टॉप ओके सो नेशन फर्स्ट फॉलो मी एंड इनका जो क्रेडो है दैट इज तेजस्वी नव दित मस्तू मीन्स लेट ब्रिलियंस इमर्जेज आउट ऑफ आर इंडर फ्रोम दिषदी है बेसिकली इस अकेडमी में लगभग दस से ग्यारह महीने की ट्रेनिंग करते हैं एंड आफ्टर दैट द गो फॉर ऑप्स पीसफो फील्ड एरियाज में काम करते हैं जैसे हमने बात किया uh, न, uh, नरेश कुमार सर की तो आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम हिज एकेडमी ही डायरेक्टली वेंट फॉर जम्मू कश्मीर जो भी वहाँ पे काम थी कार्रवाई थी उन्होंने वहाँ पे की ओके नाउ द नेक्स्ट इज़ ये सारे के सारे जो पीछे हैं ओबियसली दीज आर डैगोज जो अपनी पासिंग आउट परेड के टाइम पे uh, यहाँ पे आए इन्होंने

नो no प्रॉब्लम ये 2019 में जो डैगोस थे ये बेसिकली यहाँ से पास आउट हुए एंड दे आर राइट नो इन द फील्ड पोस्टिंग्स सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीआरपीएफ और इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो uh, आपसे पूछी भी जा सकती है इंटरव्यूज़ के टाइम पे बटालियंस के बारे में दे कैन आस्क यू अबाउट कितनी स्ट्रेंथ है नॉट स्पेसिफिकली टू सी बट दे कैन आस्क यू आई टी बी वो पूछ सकते हैं अगर आपके सी आर पी एफ फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर सी एस एफ आपकी लास्ट प्रेफरेंस है तो उसकी कितनी बटालियंस है या उसका कितना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दे कैन आस्क यू अबाउट द ऑपरेशंस हीरोज़ जो उस पर्टिकुलर uh, फोर्स से एसोसिएटेड हैं तो ये भी चीज़ें uh, आपसे पूछी जा सकती हैं और uh, इसके अलावा uh, हमें पता चलता है कि सी एक ऐसी फोर्स है Uh, जो हर समय एकदम रेडी रहती है एकदम इसके अलग अलग विंग्स हैं और ये पूरा अपना एक uh, प्रीडोमिनेंट रोल प्ले कर रही है इन इंश्योरिंग द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कंट्री सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर सो थैंक्स अ लॉट गाइज एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो थैंक्स अ लॉट जय हिंद